नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचल इंग्लिश के तहत 715वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या पढ़ने नहीं आता अंग्रेजी या सोचने लगते हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स पर बात करूँगा जो कि आपको हमेशा अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और बहुत ही आसान तरह से किसी भी अंग्रेजी के वर्ड्स पर यानी इंग्लिश पढ़ सकेंगे। और धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस के बाद आपका जो है ये फ्लुएंट हो जाएगा यानी फ्लो में होगा, बहुत ही तेज़ी से आप पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए, बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, वर्णमाला हुआ। अगर इस दोनों के बारे में इनका उच्चारण आपको अच्छे तरह से पता है, इसका यूज़ आपको करने आता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का वर्ड हो अंग्रेजी का आप पढ़ सकेंगे आसानी से। तो देखिए, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट दोस्तों, आप 26 लेटर तो आप जानते ही होंगे ABCD का, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन अभी भी लोग इसे ABCD ही कहकर संबोधित करते हैं यानी बुलाते हैं। देखिए, जिसमें AEIO और U, ये जो है पांच है दोस्तों, ये पांच हमारा वोवेल है। और अंग्रेजी पढ़ने के पीछे या कहें कि अंग्रेजी नहीं पढ़ने के पीछे जो कारण बना हुआ है वो हमारा ये वोवेल है, जो कि चार से पाँच तरह से उच्चारण करते हैं। यहाँ पर चार से पाँच का मतलब है कि ए को चार तरह से बोला जाता है, ई आई को पाँच और ओ यू को जो है चार तरह से। कुल मिलाकर दोस्तों 22 तरह से इसका उच्चारण होता है। यही 22 तरह से जो उच्चारण होता है जिसके वजह से हर एक वर्ड्स अलग अलग मतलब हो जाता है उच्चारण में, तो अटकते हैं लोग। अब इस यहाँ पर आप इस वीडियो में हमारे आने वाले 3 स्लाइड के बाद 99 वर्ड्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि आपने स्क्रीन शॉट में देखा। तो चलिए, वोवेल है, वोवेल के ऊपर मैं बात करूँगा कि वोवेल कैसे लोग पढ़ते समय अटकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं पूछूंगा ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे, फिर से मैं पूछता हूँ बताइए ये क्या लिखा हुआ, तो कहेंगे कि आई लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, तो टी लिखा हुआ है। इसका उच्चारण क्या करते हैं, तो आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कहें इट। तो बताइए, जब ये आई लिखा हुआ है तो यहाँ पर आई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आई क्यों नहीं बोल रहे हैं, ई क्यों पढ़ रहे हैं? इस तरह से आइट हो जाता है ना, इट क्यों पढ़ा जा रहा है? तो ये है एक दूसरा, दो हो गया ना, आई और ई, दो तरह से उच्चारण होता है आई का। अब चलिए, लेकिन मेन नाम जो है वही बोलेंगे जो कि ABCD में जो उच्चारण किए जाते हैं वो एक बात है, लेकिन इसके अलावा जो उच्चारण किए जाते हैं वो दूसरी बात है, जिसके वजह से जो वर्ड्स हैं डिफरेंस जो है डिफरेंट हो जा रहे हैं। अब देखिए, जो बचता है वो है 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट की संख्या जो दोस्तों व्यंजन में है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट आपको व्यंजन में मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा है। तो देखिए, ये कॉन्सोनेंट में भी जो लेटर्स है उसका उच्चारण करते समय लोग अटक रहे हैं, जैसे डी में, जी में, आर, एस, टी, एक्स, ये सारे वर्ड्स हैं जहाँ लोग पढ़ते समय बहुत ही अटकते हैं, समझ में नहीं आता कि उसका उच्चारण कैसे करना है। जो उच्चारण लिखा हुआ वो तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारा उच्चारण है। जैसे डी को, अब मैं बताता हूँ कि डी को ज भी बोला जाता है, तो लोग कहेंगे कि भाई डी को ज कैसे बोलेंगे, सोचने लगेंगे यहाँ पर। तो मैं बताऊँगा डी को ज कैसे बोला जाता है। अब जी, जी का उच्चारण कभी एक ही वर्ड मीनिंग में कभी जी कभी हो रहा है, कभी ज हो जाता है, कभी ग हो जाता है। आर का उच्चारण भी 100%, 50%, ठीक है, 100%, 50% और 25% के रेशियो में कैसे करना चाहिए वो भी आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एस टी, टी तो एक्सेप्शन ही है और एक्स का भी उच्चारण बहुत सावधानी से करना होता है। तो चलिए, अब वर्णमाला का जो वर्णमाला दो पार्ट है, पहला है स्वर जिसकी संख्या 14 है, इसका अंग्रेजी याद रखना होगा। व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, इसको इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्वर पर, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं ये याद नहीं करने का जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण की बात है। स्वर किसे कहते हैं, आपको याद रखना होगा कि स्वर कौन कौन सा है और इसका उच्चारण कैसे होगा, इसका मात्रा चिन्ह क्या क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्वर जो है इसका उच्चारण, देखिए अ आ ई, इसे हरस भी बोलेंगे, ये भी ई है, इसे दीर्घ ई बोलेंगे, उ हरस उ, ये भी उ है दीर्घ उ, ये री हरस री है, ये है दीर्घ री। टोटल स्वर है दोस्तों 14। अब देखिए इसका मात्रा क्या है, तो आ का कोई मात्रा नहीं होता है, मात्रा चिन्ह नहीं होता। आ का आकार, ई कर का छोटी कार, ये जो है हरस्वी है, ये है बड़ी दीर्घ ई है, ये है उ छोटी हरस बड़ी, ये री है, ये है री। अब इसके अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं इसे, तो आ को ए, आ को डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, आई को आई, जो ई है इसके लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए उ, यू डबल यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। अब उसके बाद देखिए ए है ए ओ अन आ,
एक ये हो गया, एक का दो ऊपर हो गया, ये मात्रा चिन्ह याद रखेंगे उसी अनुसार हिंदी से आप अंग्रेजी कर पाएंगे, किसी का नाम लिख पाएंगे। ओ का ये है, अ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अ का ये हो गया। अंग्रेजी क्या होगा, ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अह के लिए एच। ये तीन जो है बहुत ही लोग मुश्किल से याद कर पाते हैं। तो आपको याद करना है हिंदी यानी स्वर, उसका अंग्रेजी। अगर आप स्वर का अंग्रेजी याद नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए कहीं टेक्स्ट में लिखा रहेगा हिंदी से अंग्रेजी क्या, और कोई या किसी का नाम लिखा रहे या कोई पता लिखा रहे तो कैसे पढ़ पाएंगे, या कोई मैसेज आ जाए आपके ऊपर व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज आ जाए लिखा कुछ रहेगा तो कैसे पढ़ पाएंगे, तो ये काम आएगा। लेकिन इसके साथ स्वर के साथ व्यंजन का भी जरूरत होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक री का एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटी कार का एक लिख लेता हूँ यहाँ पर कृषि, ठीक है। ये कृषि मैंने लिखा, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर लिखना है, कृषि लिखना है, तो के से होता है क, याद रखिएगा। री के लिए जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये री के लिए मात्रा जो नीचे है ये आर आई आ गया इसमें, और एस एस से श होता है छोटी कार के लिए जो है यहाँ पर ये आई का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर करते आई तो हो गया दोस्तों कृषि, है ना, इस तरह से लिखते हैं। अब चलिए व्यंजन का बात करते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों व्यंजन जो आप देख रहे हैं, आप इसका उच्चारण आप करेंगे तो अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों आप उच्चारण अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन का उच्चारण शायद बहुत लोग कम कर पाएँ, लेकिन हाँ किसी शब्द के बीच में जब व्यंजन आता है तो उच्चारण अच्छी तरह से हो जाता है। तो देखिए 36 जो व्यंजन है इसमें जो है स्वर, ठीक है, स्वर मिलता है, ये स्वर जो है 14 है, कोई 36 में से कोई भी एक व्यंजन में कोई एक स्वर मिल जाएगा तो हमारा बन जाएगा अक्षर। अब देखिए ये अक्षर और स्वर का क्या खेल है। दोस्तों मान लीजिए ये है क, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये क, आप ये क है, आप कहेंगे भाई क ही तो है, तो बताइए ऐसे इसे कैसे पढ़ेंगे। अगर ये क्या, इसका मतलब हलंत का मतलब होता है कि ये आधा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिखने के लिए है, ये आधा लिखा हुआ, आप कैसे पढ़ेंगे आधा को, बताइए आधा को कैसे पढ़ेंगे। आप पढ़ना बहुत ही मुश्किल है तो आधा को, ठीक है, आधा को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो कारण क्या है, तो ये व्यंजन जो है आपका, ये व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर मिलाए, 14 स्वर आपने देखा, कोई स्वर मिलाएंगे, मान लीजिए सिंपल सा पहले अ मिला लेते हैं तो क्या हो गया क प्लस अ, तो अब ये हमारा बन गया, इसमें कोई हलंत आप देख नहीं रहोगे, यानी इस क में अ भी मिला हुआ है, तो ये हो गया हमारा अक्षर। अब इसे उसी तरह अंग्रेजी के का के होता है ना, तो ए लिख दिए और प्लस ए अ का अंग्रेजी ए होता है, तो यहाँ पर हो जाता के ए, इसका ये हो गया ये अंग्रेजी, इसका अक्षर का ये अंग्रेजी हो क। अगर सिर्फ के लिखते हैं तो इसका मतलब वो आधा है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देते ओ, तो यहाँ पर क्या करना होता ओ कर देते के ओ से को होता है ये, उसी के अनुसार यहाँ पर जो है अंग्रेजी आ जाएगा ओ, और यहाँ पर के ओ को हो जाएगा, और यहाँ भी ओ हो जाएगा को। तो इसी तरह अब इसको ही अक्षर बोलते हैं। तो जब भी आप लिखें तो ऐसे इसी तरह से लिखें, और ये सब याद करना है आपको, अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे क से ख, क से के से ख, जी से घ, जी से घ, अंगा, ये संस्कृत वाले शब्द में बहुत यूज़ होगा आपके लिए। च से सी, छ से, ठीक है, च के लिए सी, छ के लिए सी डबल, ज के जे, जे झ के लिए जे एच, यहाँ के लिए वाई ए, ये भी संस्कृत वाले शब्दों में याद, मतलब उसको लिखते समय ये काम आएगा। ट ठ ड ढ ण, देखिए ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, ण और एन का न, तो दोनों का एक ही अंग्रेजी इसलिए एक ही बार लिखा गया है। और देखिए प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से व एल, व से वी डब्ल्यू, तलाब से एस एच, मूर्धन से एस एच, दन से एस, ह से एच, अक्षर से के से, तरह से टी आर, ज्ञा से जी बा। तो ये है दोस्तों कि आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखें और समझे बूझे, क्योंकि ये जो है दो व्यंजन से मिलकर एक व्यंजन बना है। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कुछ नाम ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए व्यंजन है, व्यंजन हमारा लिखिए, ये देखिए व्य, व्या, क, रण, व्याकरण। अब ये व्याकरण है इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए आधा व है ना, तो भी लिख देंगे, और य का वाई आकार के लिए, ए डबल ए, लेकिन ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, करण के लिए के ए, चूँकि इसमें अ मिला हुआ है, र में भी अ मिला हुआ है, और ना में अ मिला, लेकिन लास्ट में ए लिखने की परंपरा नहीं है, तो व्याकरण हो गया। अब मान लीजिए लिखते हैं सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र, यहाँ पर दो गो लिया मैंने,
इसको मैं तोड़ता हूँ, जैसे स देखिए श प्लस अ, ये है श हो गया हमारा, श प्लस अ हो गया, फिर देखिए त हो गया, इसमें तो कोई कोई वॉवेल है ही, स्वर है ही नहीं, क्यों क्या आता है य में, य में जो है ए लग गया, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, और फिर देखिए ना में भी कोई भी स्वर नहीं है, द में द और र लग गया, द द प्लस र प्लस इसमें लग गया आ, तो ये गया सत्येंद्र। कैसे लिखेंगे, एस से स हो गया, अ के लिए ए हो गया, त के लिए टी हो गया, वाई के लिए ई, ए के लिए ए, एन के लिए एन, डी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, लास्ट में ए लिखा हुआ है क्योंकि द का ए आ गया है यहाँ पर, तो सत्येंद्र इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप समझ चुके होंगे कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई और ओ यू को हटा देंगे, जो बचेगा उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इसका उच्चारण आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए, एक्चुअली बहुत सारे उच्चारण कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स होते हैं। तो पहले देखिए बी को बोलते हैं ब, सी को क, श क भी बोलते हैं श, ज़्यादातर स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, डी को ड बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। अब ज कैसे बोलते हैं, तो देखिए ग्रेजुएट एक वर्ड ले लेते हैं, जी आर ए डी यू ए टी ई, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज बोल रहे हैं, ग्रेजुअली बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा जहाँ डी को ज बोलते हैं, डा तो बोलते ही हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। तो यहाँ कभी वो एक ही वर्ड में देखिए कि जी को ग बोला जा रहा है और जी को जो है ग बोल देते हैं, तो दो देखिए ज एक्चुअली पांच जगह इस्तेमाल होता है, वो भी देख मैं बताते चलूँगा। एच से ह होता है, उसके बाद जे से ज, तीन ज यहाँ हो गया, के से क, तो सी से भी क, के से भी क, लिखे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखने में समझ में नहीं आया कि क के लिए सी लिखे या क लिखने के लिए के लिखे, अंग्रेजी वर्ड्स में पढ़ते समय होता है, हिंदी में नहीं, हिंदी में तो आप के का के का मतलब क का के ही लिख रहे हैं, सी नहीं लिखते हैं। और सी ई से स होता है, अब देखिए सी के से भी क होता है, इसको याद रखिए। और उसके बाद दोस्तों एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से न होता है, पी से होता है प, क्यू से क्यू होता है, और क्यू यू ई से भी दोस्तों क होता है, इसको भी याद रखिए। आर से रड होता है, एस से स भी होता है, ज भी होता है, जैसे कि डब्ल्यू ए एस क्या बोलते हैं इसे, वॉज, यानी कि एस को यहाँ पर ज बोला गया ना, तो बहुत सारे जगह में ऐसा मिल जाएगा आपको। टी को टता तो बोलते हैं चशा ही बोलते हैं, चार वर्ड्स है इसके लिए, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, ठीक है, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, उसके बाद टी यू आर यू को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं टी, देखिए टी है यू है, एल को बोलते हैं चुअल। तो ये है दोस्तों शन शियल चर चुअल, है ना। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं चुअल है, तो ये या चर है, शन है, शियल है, ये सब सफिक्स वर्ड है, बहुत सारे वर्ड देखेंगे जहाँ इस वर्ड का इस्तेमाल लास्ट में होता है, इसे सफिक्स बोलते हैं, जैसे कंडीशन में जगह इससे बनता है वर्ड, इसे कॉन्फिडेंशियल, इससे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, बहुत वर्ड मिलते हैं। तो मैं बताऊंगा एक सारा एग्जांपल, जैसे देखिए पी ए टी आई ई एन टी, है ना, अब इसे उच्चारण करते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेशेंट। अब बताइए लास्ट में टी लिखा हुआ था, ट आ गया, पी ए लिखा हुआ तो पे हो गया, एन से हो गया ना, तो टी आई से, टी आई ई से क्या हो गया, यहाँ पर सी हो रहा है ना, ई के लिए ए आ गया, तो टी आई से सिर्फ स हुआ, तो जाहिर सी बात है टी आई से यहाँ भी आप स देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं श, तो हो गया ना कि सही में यूज हो रहा है कि नहीं। अब चलिए वी से जो है व भी होता है, भ भी होता है, डब्ल्यू से ही भ होता है, यानी व के लिए वी, वी डब्ल्यू आपने व्यंजन में भी देखा था, यहाँ स्वर में भी, कॉन्सोनेंट में भी है। उसके अलावा दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे कि ओ एक्स में एक्स को एक्स एक्स बोलते हैं, लेकिन ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग होता है, उससे शुरू उससे भी एक्स बोलते हैं, यानी जैसे कि ई एक्स से कोई वर्ड नहीं हो, एग्जाम हो, मान ली एक्सक्यूज़ है, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सक्यूज़, तो ई एक्स को ई एक्स करके नहीं बोलेंगे बल्कि एक्सक्यूज़ बोलेंगे, एग्ज़ाम बोलेंगे, एग्जाइल बोलेंगे, एग्जिस्ट एग्जिस्ट एग्जिबिशन, बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, और वाई को या जेड को जज बोलते हैं। अब देखिए एल एम से जो है सो म होता है, ठीक है, और फिर है देखिए
एल के से क होता है, डी जी से डी, डी और जी से जो है देखिए एल के से क होता है, डी जी से जो है ज होता है, और के एन से जो है ये न होगा। आप देखेंगे बहुत जगह एम एन भी है, इससे भी जो है न होता है। वर्ड में जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जैसे एल एम से हो जाए तो काम, ठीक है, काम एक वर्ड हो गया, काम हो गया। और वो एल के से जैसे कि यहाँ पर बना देते हैं डब्ल्यू एल के, वॉक, वॉक मीन्स टहलना हो गया। अब जैसे डी जी से, जैसे एल ओ डी जी ई क्या हो गया, लॉज, है ना। और के एन से जैसे कि नो होता है, के एन डब्ल्यू उच्चारण नो बोलते हैं, केनाव नहीं, बहुत लोग खेनाव पढ़ देते हैं तो जाहिर सी बात है उनको पता नहीं है। एम एन से म होता है, और ये एक देखिए एस जी एन होता है, ठीक है, जी एन, जी एन से जो है साइन होता है, मान लीजिए एस आई जी एन, तो यहाँ पर इन इसको ना उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, ना उच्चारण करते हैं। देखिए ये जो एम एन है इसको कॉलम वाला में याद रखिए, सी ओ एल ओ यू एम एन, है ना, कॉलम, तो कॉलम हो गया, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ म हो जाएगा उच्चारण, कॉलम। तो कहीं ना कहीं सो कि ये सब साइलेंट लेटर वर्ड्स हैं, मतलब कि लेटर्स हैं, इसको याद रखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं चर्चा आगे करूँगा, तो इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं वोवल्स का उच्चारण कैसे कैसे होता है, बहुत समझिए ध्यान से दोस्तों। तो ये वोवल जो है आप जो देख रहे हैं, देखने वाले हैं, वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि ए का उच्चारण क्या होता है, ए का इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, आप बोलेंगे ए, ठीक है, तो ए है। लेकिन दोस्तों ए ही तो नहीं होता, ए का सिर्फ ए ही नहीं कहते, अ भी कहते हैं, आ भी कहते हैं, ए भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले अ वाला चलते हैं, ठीक है, तो एम, ठीक है, एम ए डी ए एल, ए का उच्चारण पर अ हुआ, आ हुआ मेडल, ठीक है। अब देखिए आ वाला देखते हैं, एम ए एस टी ई आर, ए का उच्चारण जो है तो यहाँ पर ए का उच्चारण जो है आ हुआ मास्टर, ठीक है, मास्टर। उसका ए का देखिए एक वाला, जैसे कि एम ए डी ई, यहाँ पर ए का उच्चारण ए हुआ मेड। और लास्ट वाला देखिए एम ए डी, उच्चारण ए का आय के रूप में हुआ, तो उच्चारण क्या हुआ, मैड। उसके बाद देखिए आई को ई को सिर्फ ई ही नहीं कहते बल्कि अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ई ई तो बोलते ही हैं और ए भी बोला जाता है। उसके बाद आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता, मैंने बताया था ना आपको ईट वाला एग्जांपल, तो आई तो अगर आई बोलते तो आइट हो जाता ना, जबकि ईट बोल रहे हैं, यानी कि इसके अलावा अ आ ई ई भी होता है, और ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि अ आ उ भी बोलते हैं, यू को सिर्फ ई यू ही नहीं बोलते बल्कि अ आ उ भी बोलते हैं, और डबल ओ को सिर्फ बड़ी ओ नहीं बोलते हैं बल्कि अ आ ओ और उ भी बोलते हैं। एक वर्ड ले लीजिए रिमेम्बर का, ठीक है, आर ई एम ई एम और बी ई आर, इसमें तीन ई है, एक भोवल दो और तीन, मतलब भोवल एक ही है यानी कि ई, और इसका यूज तीन बार हुआ है, ठीक है, तीन बार हुआ ना। अब तीनों का यूज देखिए, पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। कैसे लिखेंगे इसे, तो देखिए ये रिमेम्बर ये लिखा हुआ, देखिए रिमेम्बर, अब ये रिमेम्बर लिखा हुआ है, तो पहला ई जो है दोस्तों ये वो ई के रूप में, दूसरा ई जो आया ए के रूप में, और तीसरा ई जो आया आ के रूप में, तो हुआ ना रिमेम्बर। अब इस तरह से लिखना लिखे, मान लीजिए एक वर्ड मीनिंग में तो एक ही वोवेल तीन तरह से उच्चारण किया गया, दूसरा अगर दूसरा वर्ड मीनिंग में ले लेता हूँ और इसमें दो तीन वोवेल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, आप वहीं तो अटकने लगते हैं, इसी चीज़ को आपको समझना होगा। तो वोवेल्स का यूज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप सीख पाएंगे और बोलने लगेंगे, फिर पढ़ने लगेंगे। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता 99 वर्ड्स देखेंगे, एक बार सुनना जरूर जरूरी है, ध्यान सुनिएगा कैसे उच्चारण है उसको समझिए। देखिए ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, एच ई पी हेप हेप टेंस एस लग गया हेप टेंस हेप टार्च फिर देखिए हेप्टोजेस हेप्टोसेस ठीक है नेक्स्ट है हेराल्डेड हेराल्डेड ई डी लग गया तो डी लगा डेड हो गया तो हेराल्डेड हेराल्डिक नेक्स्ट है हेराल्ड्री नेक्स्ट हर्बेज
हरबेज्ड, ठीक है। तो ई देखिए, ई के बाद ई आया तो ए का फिक्स हो गया हरबेज्ड। जी को यहाँ जय बोलते हैं, हरबेजेज, हरबेजेज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है हर वेरिया। नेक्स्ट हर बिलेट। नेक्स्ट है हर बीएस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, हर बीएस्ट हो गया। हर बीस्ट। नेक्स्ट है हर हर्ब, हर्ब लेश, हर ब्लेश, हर ब्लेट। नेक्स्ट है हर्ब, हर्ब लाइक। यहाँ देखिए एच ई आर बी हर्ब, ये है लाइक, हर्ब लाइक। हरक्यूलस, देखिए हर्ड, एच ई आर डी हर्ड हो गया, हर्ड बॉयज, हर्ड लाइक, हर्ड्स मैन, हर्ड्स मेन, हर्ड्स वीक। अब देखिए हेयर अवे, हेयर अवे। नेक्स्ट है हेयरिडिटी, हेयरिडिटी। हेयर फॉर्म, हेयर इनटू, हेयरनेश, हेयर सीज, हेयर टिक्स, हेयर ट्रिक्स, हेयर अनटू, हेयर अपॉन, हेयर विद। अब देखिए हेरी शन। नेक्स्ट देखिए 33 और हेरिटेज, ए के बाद ये आया तो ए का उच्चारण ए के फिक्स हो गया, ऐसे भी ए जे ई को एज पढ़ते हैं, टी लगा तो टेज हो गया। हेरिटर्स, ओ आर को आर बोलते हैं तो टी का लगा टर्स हो गया, टर हो गया, एस लग गया इसमें तो हेरी, हेरिटर्स। हेरिट्रिक्स, हेरिट्रिक्स है ना, हेरिट्रिक्स हो गया। हर लिंग्स, फिर देखिए हर मे, हरमियन, हरमेटिक, आई टी आई से टिक बोलते हैं, हरमेटिक, हरमिटिक, हरमिट्री, हरनिएट, हरनिएट, हर्नशॉ, हीरोइकल। फिर देखिए हीरोई, हीरोइकली। नेक्स्ट है हीरोइन, हीरोइंस, हीरोइज्ड, हीरोइज्ड हो गया, हीरोइजेज, हीरोइज्म, आई एस को इज्म बोलते हैं, एस लग गया तो हीरोइज्म, एस लग गया, हीरोइज्ड, हीरोइज्ड, हीरोइजेज, हीरो देखिए हीरोन्स्यू, हीरोशिप, और हो गया हर्प, हर्पसेस, हर्पेटिक। नेक्स्ट है हर, हर्प टाइल। हेरिंग्स, हेरिंग्स, हर्स्टॉल, हर्शिप्स, हर्स्टोरी, हेसिटेंट, हेसिटेट, हेस्पेरिड, हेसियंस, हेसीट, हेसाइट्स, हेसाइट्स। नेक्स्ट है हेटेरे, हेटेराज, हेटेरिक, हेटेरे, हेटेराज, हेटेरिया, हेटेरिक, यूचेरा, यूरेकास, यूरेटिक, यूरिज्म, आई एस को इज्म बोलते हैं, आर लगा तो रिज्म हो गया, यूरिज्म। अब देखिए हेक्साफॉइल, हेक्साग्लॉट, हेक्सागॉन्स, हेक्साग्राम, हेक्सामीन, हेक्सा मीन या हेक्साग्राम, देखिए हेक्साग्राम हो गया, हेक्सागॉन हो गया, हेक्सा ग्लॉट, हेक्साफॉइल। अब देखिए हेक्सा नोइक, एन ओ आई सी की नोइक हो गया, हेक्सामीन हो गया, हेक्सामाइन यहाँ करिए, हेक्सामाइन, ठीक है, हेक्सामाइन हो गया। हेक्सापलर, फिर देखिए हेक्साप्लास, हेक्सापोड्स, हेक्सापॉडी, हेक्सार्ची। नेक्स्ट है हेक्सरीज, उसके बाद देखिए हेक्सा, हेक्सोसेंस, हेक्सिली, हेडक्स, हिया ट्यूसेस, हिया बेचीस, हिब्रनल, हिबिस्कस,
ही कफ, यू जी एच को बोलते हैं फ, तो यू जी एच से फ हो गया, ही कफ हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना होगा, हेक्सा वाला एक्स को तो एक्स पढ़ ही रहे ना, तो आ हो गया सभी में। देखिए हेक्सा, यहाँ तक हेक्सा ही हो गया, तो कितना इजी हो जाता पढ़ना अगर थोड़ा सा आप समझते हैं तो। लेकिन क्या करते जब पढ़ते समय लोग, तो हेक्साफ फ्लॉय, यहाँ पर जो एक्स जो हेक्सा बोलते हैं ना उसके साथ फ बोलते हैं, ग बोलते हैं जोड़कर, तो वहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो अलग अलग तोड़ के पढ़ना सीखिए जी हाँ, जैसे कि हेक्सा फॉयल, हेक्सा ग्लॉट, हेक्सा गॉन्स, हेक्सा ग्राम, हेक्सा माइन, हेक्सा नॉइक, हेक्सा फ्लर, हेक्सा प्लास, हेक्सा पॉट, हेक्सा पॉडी, हेक्सा ची, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो बस करना क्या है, ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, बोलिए माइक पर बोलिए ओमनी सेंट इंग्लिश, या गूगल में भी टाइप कर सकते हैं माइक गूगल से ओमनी सेंट इंग्लिश। सारे वीडियो के लिंक मिले, वीडियो की संख्या दोस्तों 904। अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो वीडियो की संख्या बढ़ रही है। अगर आप वाकई में आपको नहीं पढ़ने आता, पढ़ना सीखना चाहते तो आप बस वीडियो हमारे पुराने देखिए, 100% पढ़ने आ जाएगा दोस्तों। और लिखना सीखना चाहते तो भी लिखने आएगा, और लिखते समय लिख कर बोलते हैं तो पढ़ना भी तब बोलना भी आ जाएगा, सब कुछ सीखेंगे। बता दीजिए स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही मोटा डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस सिस्टम पर सेट कर दिया गया। तो बस करना यही दोस्तों कि आपको A4 साइज कॉपी पर जो है स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लिखते रहिए कॉपी पे, और लिखते समय बोलते रहिए तो बोलना भी आ जाएगा। तो पहले पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद लिखना भी जरूरी है, और लिखते लिखते जब बोल जोर जोर से लिख कर बोलेंगे, या लिखने का बोलेंगे तो आपको बोलना भी आ जाएगा। सेंटेंस को ध्यान में रखिए, और डेली जो वाले बेसिक वर्ड्स के लिए आप यूज़ कीजिए उसको, लिखने में बोलने में बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स तो रहता नहीं है। अब लाखों वर्ड्स है तो लाखों वर्ड की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत 3-4 हज़ार वर्ड्स भी याद कर लेते हैं तो बहुत हो जाता है आपके लिए, मैक्सिमम आप लाइफ में इतना वर्ड्स भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताने वाला हूँ कैसे जो है आप बहुत जल्दी, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पढ़ने आ रहा हो, अभी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि हर एक वर्ड में, कोई भी वर्ड उसमें कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट को अगर पकड़ना, पार्ट का मतलब हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा जो शुरू में आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे PRO को बोलते हैं प्रो, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, और TIN को बोलते हैं सन, सन को मैंने तो शुरू में ही डिस्कस किया था, इसे सफिक्स वर्ड है। तो अब बताइए DUC ही तो बच रहा है, अभी यू का चरण भवल के थ्रू पढ़ लेंगे ना, क्या हो गया प्रोडक्शन। हालांकि प्रो का भी सन का भी, सन का तो नहीं, प्रो और डक का भवल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ बार बार रिपीट हो गए, ऐसा नहीं कि सन सिर्फ प्रोडक्शन के साथ है, मैंने कंडीशन बहुत सारे वर्ड बनाया उसमें भी आपको सन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आप जो सर्कल होगा उसको ध्यान से देखना है, ताकि आप अच्छे से दोबारा पढ़ सकें, और इस वीडियो के बाद तुरंत आप दूसरा टेक्स्ट लीजिए। देखिए यही सब चीज़ है घूम कर फिर कराने वाला, तो जाहिर सी बात है 26 लेटर्स के बाद दोस्तों कहीं से कोई और लेटर्स थोड़ी टपक रहा है, उसी में से घुमा फिर कर पढ़ने का तरीका। तो जो कैसे पढ़ना है इसको देखिए दोस्तों, देय, अब भाई आर का उच्चारण क्या है यहाँ, दे आ सम वो क्वेश्चन, अ के रूप में लार्ज एंड मॉडर्न, फैक्ट्रीज ट हो गया, और आर के साथ IS को इज बोलते हैं, इन दीज इसको ज बोलते हैं, SEG को सेग, INT को एंट बोलते हैं, M लगा तो मेंट हो गया सेगमेंट, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंट, TED को बोलते हैं टेड, स्मॉल यूनिट्स विच कैटर, ER को बोलते हैं R, T लगा टर होगा, कैटर्स टू द लोकल मार्केट, दिस मिसमैच, TCH को बोलते हैं चर, दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट, मेनी ऑफ आवर एस बोलेंगे पाई, आई क्वेश्चन आई के रूप में, ई आर को बोलते हैं स्पाइनर्स, एस लग गया एक्सपोर्ट, EX को देखिए, EX को यहाँ पर एक्स ही उच्चारण हो रहा है ना, मैंने बताया था ना, EX को एक्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल द अपेरल ए के बाद ही आया तो अपेरल गारमेंट, ENT को बोलते हैं, एम लगा मेंट गारमेंट, मैन्यूफैक्चर्स TUR को चर बोलते हैं, एस लग गया हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक,
सपोज, इसको यहाँ क्या बोलते हैं, सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट रुपीज 85 पर केजी, जी 85 पर केजी हो गया। इफ इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर, इसको बोलते हैं ज, इट फेचेज रुपीज 800 पर केजी, वैल्यू इज एडेड, एडेड एट, देखिए ईडी को एड बोलते हैं, डी कैसे लगा, डेड हो गया तो एडेड हो गया ना। एवरी स्टेज, इसके बाद ए टी हो गया, टी के बाद ए आ गया, तो ए का ए के रूप में हुआ, ऐसे भी ए जे ई को एज बोलते हैं। तो स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, फैब्रिक एंड गारमेंट्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टीड ऑफ एक्स, फिर देखिए एक्स को एक्स बोला गया, एक्सपोर्टिंग यार्न इज यार्न इन लार्ज क्वान, देखा यहाँ बोल रहे ना, कब बोल रहे की यू का कब बोल रहे, मैंने बताया था ना, तो की यू से क होता है, तो क्वान टी टीज आई एस पीज बोलते हैं, टीका टीज हो गया। ऑल दो, इसको याद रखिए, ऑल दो को याद रखिए, इसको ऑल दो ही पढ़ते हैं, एल टी एच ओ यू जिसको फॉर नहीं बोलेंगे, ऑल दो वी हैव मेड, एक के बाद ये आया तो मेड हो गया। सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ये को ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल, स्टेपल कॉटन 301.5 lakh bales of 170 kg each during 2015 to 16। दोस्तों इस तरह से आप वर्ड्स को पढ़िए ध्यान से, सर्कल जो किया उसको याद रखिए, कॉपी पे लिखिए और देखिए कि क्या वाकई में रिपीट हो रहा है या नहीं। अब चलिए, जिनको भी वोवेल्स याद नहीं होंगे उनके लिए तरीका है, तो क्योंकि सही में वोवेल याद नहीं होता, अब 22 तरह से उच्चारण कैसे आप कर पाएंगे, 22 तरह से, जी हाँ दोस्तों 22 तरह से यहाँ पढ़ा जाता है। जैसे ए सही वोवेल्स में आ तो आता है, ई और आई में जो है दो दो बार बढ़ा लीजिए, तो चार चार हो गया ना, पाँच में से चार दिमाग में रखना है सिर्फ, ओ यू डबल में से जो है यू यू को बढ़ा लीजिए, तो यहाँ देखिए पाँच में से तीन तीन को रखना है। तो चलिए अब जो बचता है, बाकी उसको जो बचता है उसको वही तो बोला जाता है। अब देखिए जो वोवेल्स है, एक्चुअली वोवेल्स का जो मैंने बताया था उच्चारण, उसको आप कहीं से भी कोई वर्ड्स को लीजिए, लीजिए जिनको उच्चारण पहले जानते हो उसको लीजिए, और स्पेलिंग लिखो कॉपी पे, या मैंने तो अल्फाबेटिकल एक्चुअली जो ये वोवेल्स है सीरीज में लिया, सिक्वेंस में लिया, आप कहीं से भी कुछ ले सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण मुझे चेक करना है कि क्या हो रहा है, ए का उच्चारण तो यहाँ पर अ के रूप में हो रहा है, कंपनी सॉल्ट में ए को क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, मात्रा से यहाँ पकड़ लेंगे आप। केयर में इसको क्या बोल रहे हैं भाई, तो ए बोल रहे हैं, है ना, उच्चारण तो यही हो रहा है। मैप में क्या बोल रहे हैं ए को, मैप एम ए पी मैप में ए को उच्चारण दोस्तों ए के रूप में हो रहा है। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ है तो अ हो गया, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। फेक्ट परफेक्ट प्रीफिक्स में दो ई है, एक तो ये ई है, दूसरा ये वाला ई है, जो भी समझिए। टेन में जो है दोस्तों ई है, उसका ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आई का देखते हैं, तो एस आई आर को क्या बोलते हैं, एस आई आर को सर बोलते हैं, तो आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिक को आई, फिक में जो आई है उसका क्या बोलते हैं, छोटी के रूप में। टीन में जो आई है उसके बड़ी के रूप में भी उच्चारण किया गया। लाइन में आई का जो है उच्चारण आई के रूप में हुआ है। अब देखिए ओ वाले में, एस वेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण क्या है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा, तो ओ के रूप में। उसके बी यू टी बट, यू का उच्चारण क्या हुआ बट में, तो अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ई यू के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो अ के रूप में। जबकि लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे होंगे कि ये सब बार बार आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसी तरह के 100 वर्ड मीनिंग जो आप पहले से 100 से 150 वर्ड मीनिंग आप कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखिए कोई भी नया वर्ड मीनिंग आप बहुत ईजी में बहुत जल्दी बहुत ही हद तक जो है 99% तक एक्यूरेट पढ़ने लगेंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोगों के जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दिखाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरत है यहाँ टच करके, हालांकि नीचे भी लिंक दिया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करने का, और बहुत सारे वीडियोस का, और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर, वो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ से भी टच करके आप जा सकते हैं हमारे वीडियो तक,
डायरेक्ट। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।